नंबर फोर है हमारा, और प्रैक्टिकल नंबर फोर का जो टॉपिक है, जो टाइटल है, दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। पिछला जो प्रैक्टिकल था हमारा वो था फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। तो डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन और फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन का जो इंट्रोडक्शन है काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो पहले देख लेते हैं कॉन्टेंट्स। इंट्रोडक्शन अटेंशन की डेफिनेशन होगी, फैक्टर्स कंडीशन ऑफ अटेंशन होंगे, ऑब्जेक्टिव कंडीशन एंड सब्जेक्टिव कंडीशंस। देन डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन की डेफिनेशन होगी, मेथड का पोर्शन होगा जिसमें हाइपोथेसिस होगा। दो वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अपरेटस एंड मटेरियल कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हुए। एक्सपेरिमेंटल डिटेल, सब्जेक्ट डिटेल्स होगी, प्रोसीजर होगी विद इंस्ट्रक्शंस, ऑब्जर्वेशन टेबल होगा एंड देन बाद में कैलकुलेशंस होंगी, सब्जेक्ट रिपोर्ट, एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट, रिजल्ट एंड कॉन्क्लूजन। तो आइए फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से पहले हम देखेंगे कि एम और पर्पस क्या है इस प्रैक्टिकल के परफॉर्म करने का। तो हम ये डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं कि जो कोई टास्क, कोई सब्जेक्ट या कोई इंडिविजुअल कोई काम कर रहा हो और एक्सटर्नल कोई डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलस मौजूद हो, तो उसकी वजह से जो है वो आपका जो टास्क होता है वो इफ़ेक्ट होता है और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डिटियोरेट करती है, यानी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो डिस्ट्रैक्शन में हम ये स्टडी करेंगे, डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन के प्रैक्टिकल में। इंट्रोडक्शन में अटेंशन की डेफिनेशन है। अच्छा, ये शुरू का जो पोर्शन है ना, ये मैंने जो है वो फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन जब प्रैक्टिकल उसका लेक्चर हुआ तो मैंने उसमें डिटेल से बता दिया था, आप लोग वहाँ जाके इसको सुन सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ जनरल हेडिंग्स आपको बता देती हूँ, ये वही सिमिलर ही हैं। अटेंशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, फैक्टर्स हैं, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद जो है वो सब्जेक्टिव कंडीशंस हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन यानी उसकी हेडिंग्स डली हुई हैं, और इसको मैंने डिस्क्राइब जो है वो लेक्चर में कर दिया था, तो आप वहाँ जाकर सुन सकते हैं इसको। इतना ज़रूर बता दूँ, दोबारा रिपीट कर दूँ कि जो आपकी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस होती हैं वो आपकी स्टिमुलस से रिलेटेड होती हैं, और जो आपकी सब्जेक्टिव कंडीशंस होती हैं वो आपके एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं, एक इंसान से रिलेटेड। देन डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो किसी स्पेसिफिक चीज़ पर फोकस करना चाह रहे होते हैं, लेकिन किसी भी वजह से, कोई सब्जेक्टिव कंडीशन हो सकती है, कोई ऑब्जेक्टिव कंडीशन हो सकती है, उसकी वजह से वो उस स्पेसिफिक चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे होते। इसकी बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल अगर हम यूँ कोट करें कि जब क्लास में लेक्चर हो रहा होता है और बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा हो तो जो अटेंशन है वो डिस्ट्रैक्ट होती है, और बार बार जो है वो शोर जो है उसकी वजह से जो लेक्चर हो रहा होता है वो समझ नहीं आता, या जो पहले बहुत अच्छा समझ आ रहा होता है वो बाद में जो है वो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। तो ये एक एग्जांपल हो सकती है। यहाँ पे भी हम क्योंकि नॉइजी कंडीशन को एज एन डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलस यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने ये एग्जांपल कोट की। मेथड के पोर्शन में हाइपोथेसिस है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन वुड डिक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द सब्जेक्ट ऑन अ मेंटल टास्क। एक टास्क दिया जाएगा सब्जेक्ट को और दो कंडीशंस हम यूज़ करेंगे, उसमें हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि जब डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलस मौजूद है तब परफॉर्मेंस कैसी है सब्जेक्ट की, और जब डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलस नहीं मौजूद तब परफॉर्मेंस कैसी है सब्जेक्ट की। देन वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलस हम नॉइज़ जो है उसको यूज़ करेंगे, और डिपेंडेंट वेरिएबल में हमारे पास मेंटल टास्क परफॉर्मेंस, वो अभी आप आगे जाके देखते हैं कि उसमें हम कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। 10 कैंसिलेशन शीट्स होंगी, स्टॉप वॉच टाइम नोट करने के लिए, इलेक्ट्रिक बेल हम यूज़ करेंगे नॉइस क्रिएट करने के लिए, पेंसिल पेपर एंड ग्राफ पेपर। एक्सपेरिमेंटल डिटेल और सब्जेक्ट डिटेल ये आपको पहले भी पता है, इसमें नेम, एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन लिखनी होती है, तो ये आप ख़ुद भी लिख सकते हैं। ये वो कैंसिलेशन शीट है जो कि हम यूज़ करेंगे, इसमें कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स जो है वो मिक्स हैं, और सब्जेक्ट को ये शीट दी जाएगी और 10 कैंसिलेशन शीट्स यूज़ करेंगे हम, यही वाली 10 शीट्स यूज़ करेंगे जिसके थ्रू जो है वो हमारा सब्जेक्ट इसमें वॉवल्स को कैंसिल करेगा, और जो बाकी हम एरर नोट करेंगे और टाइम नोट करेंगे।
इंस्ट्रक्शंस में 10 कैंसिलेशन शीट्स जो यूज़ होंगी, तो हम सब्जेक्ट को सबसे पहले ये बताएंगे कि हम आपको कैंसिलेशन शीट देंगे, उसमें कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स मिक्स हुए हुए होंगे, आपने वॉवल्स को कैंसिल करना है। और जितने टाइम में आप एक शीट को कंप्लीट करेंगे वो टाइम हम नोट करेंगे सेकंड्स में, और एरर्स इस तरह से नोट किए जाएंगे कि अगर आप वॉवल्स की जगह किसी कॉन्सोनेंट को मार्क कर देते हैं तो हम वो एरर कंसीडर करेंगे, या कोई वॉवल कैंसिल होने से रह गया तो वो भी एरर कंसीडर होगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपने सब्जेक्ट को देनी है। प्रोसीजर में दो कंडीशंस होंगी। कंट्रोल कंडीशन ए होगी, इसमें ये होगा कि सब्जेक्ट को हमने कैंसिलेशन शीट दी और उसने मार्क किए वॉवल्स, और जितने टाइम में किया हमने वो टाइम नोट किया, फिर अगेन हमने दी, और ये बहुत पुरसकून और नॉन नॉइजी कंडीशन होगी, बहुत जो है वो पीसफुल इन्वायरमेंट में सब्जेक्ट को बिठाया गया होगा। तो टाइम हम नोट करेंगे एंड देन एरर नोट करेंगे और 5 ट्राइल्स लेंगे। इसी तरह से एक्सपेरिमेंटल कंडीशन बी में भी 5 ट्राइल्स होंगी, मतलब ये कि हम पहले कैंसिलेशन शीट सब्जेक्ट को देंगे, वो वॉवल्स मार्क करेगा और जितने टाइम में वो करेगा उतना वो टाइम हम नोट करेंगे, और जो एरर वो करेगा, जैसे कोई कॉन्सोनेंट गलती से मार्क कर दिया उस वो एरर कंसीडर होगा, या कोई वॉवल मार्क करने से रह गया तो वो एरर कंसीडर होगा। तो 5 ट्रायल्स हम इस तरह से करेंगे, लेकिन इस कंडीशन में और उस कंडीशन में फ़र्क ये है कि इस कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक बेल के थ्रू जो है वो नॉइज़ क्रिएट कराएंगे। जिस टाइम पे जो आपका सब्जेक्ट है वो ये टास्क कर रहा होगा, मेंटल टास्क, उस टाइम पे वो नॉइजी कंडीशन में एक्सपोज होगा, तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या कहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी या नहीं होगी। तो ये है आपका ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसमें कंट्रोल कंडीशन ए और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन बी की जो है वो रेटिंग्स मौजूद है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ ट्रायल्स दोनों की 5-5 हैं, टाइम सेकंड्स में नोट किया हुआ है, और नंबर ऑफ़ एरर्स जो हैं वो हर ट्रायल के नोट किए हुए हैं। टेबल को देख के ही पता चल रहा है कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो है, जो नॉइजी कंडीशन है, उसमें एरर आप देख सकते हैं ज़्यादा आ रहे हैं और उसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। इसका ये मतलब है कि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रही है उस नॉइजी कंडीशन की वजह से जो हमने इलेक्ट्रिक बेल के थ्रू क्रिएट की हुई है। हमने टाइम का मीन लेना होगा, किस तरह से लेंगे कि जो आपकी कंडीशन ए है उसमें 5 ट्रायल्स हैं, तो 5 ट्रायल्स में जितना भी टाइम आया उसको टोटल करके 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड इसलिए किया जाता है कि 5 ट्रायल्स हैं और 173 सेकंड इसका आंसर आया। इसी तरह से एरर्स जितने उसने 5 ट्रायल्स में किए उसको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 1.4 हमारा जो है वो एरर का मीन आ गया। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो है वो, जिसको कंडीशन बी हम कह रहे हैं, इसमें भी टाइम का जितना भी टाइम लिया 5 ट्रायल्स में, हमने उसको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिया और 230.4 सेकंड्स आ गया। और इसी तरह से एरर्स का जो मीन है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, जितनी भी एरर्स आए 5 ट्रायल्स में उसको डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, तो हमारे पास 5 मीन आ गया एरर का। डेक्रीमेंट इन परफॉर्मेंस, डिक्रीज़ कितनी हुई परफॉर्मेंस, तो हमारे पास जो है वो टाइम ज़्यादा लग रहा था हमें एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो है वो कंडीशन बी जिसको हम कह रहे हैं, तो वो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू हमेशा पहले रखी जाती है, तो वो वैल्यू पहले लिखी एंड देन हमने जो कंडीशन ए की वैल्यू है टाइम की, जो एवरेज हमने कैलकुलेट किया था 173 सेकंड्स, वो लिखे और उसको माइनस किया, तो 57.4 सेकंड इसका आंसर आया। मतलब इतनी परफॉर्मेंस डिक्रीज की है इन टर्म्स ऑफ टाइम। डेक्रीमेंट इन परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एरर कैलकुलेट करने के लिए हमने कंडीशन बी के जो एरर का एवरेज है वो पहले लिखा एंड देन कंडीशन ए के जो एरर का एवरेज है वो लिखा और हमने माइनस कर दिया, तो 3.6 आंसर आया। इसका मतलब है इतनी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ की है। देन एक्सपेरिमेंटर्स रिपोर्ट, सब्जेक्ट रिपोर्ट, पहले भी आप लोगों को बताया था कि आपके एक्सपेरिमेंटर और सब्जेक्ट जो है जो जैसा उसको फील हुआ, जैसा उसको लगा कि अच्छा था या मुश्किल था प्रैक्टिकल करना, तो वो सारी चीज़ें आपने नोट करनी होती हैं और लिखनी होती हैं। तो ये कुछ सैम्पल स्टेटमेंट्स हैं और इन स्टेटमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन अपने हिसाब से इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ सैम्पल स्टेटमेंट्स हैं, वो लिखी हुई हैं कि आपको एक्सपेरिमेंटर को और सब्जेक्ट को कैसा फील हुआ। रिजल्ट्स में लिखा हुआ है कि रिजल्ट जो है वो टेबल के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट किए गए, और मीन वैल्यूज़ जो आई हमारे पास वो 173 सेकंड्स आई नॉन नॉइजी कंडीशन, और एवरेज एरर जो आया 1.4।
इसी तरह नॉइजी कंडीशन जो कंडीशन बी थी 23.4 सेकंड टाइम का एवरेज आया, और जो हमारे पास एरर्स का एवरेज आया वो आया 3.6। तो इस रिज़ल्ट से हमने कंक्लूड क्या किया, इस रिज़ल्ट से हमने कंक्लूड ये किया कि जो हमारा सब्जेक्ट था उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कंडीशन ए, जिसे नॉन नॉइजी कंडीशन कह रहे हैं, उसमें ज़्यादा बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू नॉइजी कंडीशन। यह हमें पता चला कि उसमें जो नॉन नॉइजी कंडीशन में उसने एरर भी कम किया, एरर का एवरेज भी कम आया, और जो उसको टाइम लगा टाइम का एवरेज भी कम आया। इसी तरह से जो नॉइजी कंडीशन है उसमें एरर का एवरेज भी ज़्यादा था और जो टाइम का एवरेज है वो भी ज़्यादा था, और परफॉर्मेंस में जो डिक्रीमेंट इन परफॉर्मेंस जब हमने कैलकुलेट किया उसमें भी हमें पता चला कि परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ की है। तो ये इस तरह से हमारा जो हाइपोथेसिस था वो वेरीफाई हो गया कि कोई डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलस अगर मौजूद हो तो, और अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई मेंटल टास्क परफॉर्म कर रहे हो जिसमें आपने बहुत सोच समझ के कोई काम करना हो, तो उसमें परफॉर्मेंस जो है वो आपकी डिक्रीज़ करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।